look again. हेलो दोस्तों, कुशीनगर एनिमल सेवा सर्विस से मैं डीडीएस अभी जस्ट आ गया हूँ। फाइनल सिटी से लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी पे और ये पवन सर जी में है मछुआ की, और यहीं पे एक सांप निकला हुआ है जो कि गोपालगंज जिले के अंतर्गत पड़ता है ये, और घर में सांप निकला हुआ है जिसको निकालने के लिए बुलाए हैं। आइए देखते हैं कौन सा सांप है, निकालते दिखाते हैं आप लोगों को, नजर मारी के आई प्लीज कम। दोस्तों जैसा कि आपको बताते हैं कि गर्मी का जो मौसम चल रहा है और इसमें सांपों का निकलना लाजमी है, गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो दोस्तों आप देख के समझ सकते हैं, ये है इंडियन एक्सपेक्टिकल कोबरा और ये काफी बिग साइज का है। आइए इसको निकालते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों आपको जाने काफी मुश्किल है, ए भाई ये तो ऊपर जा रहा है, हट बा हट बा, आता है फिर दिया उन्हें ये जाता हटा सा। थोड़ा यार मेरा डे मत बेचो यार, काफी ये गुस्से में है और ये इंसान को बकसने के लिए नहीं है ये भाई। हट जाएगा टाइगर, काफी ये गुस्से में है। हाँ इधर ले चलो, इंडियन एक्सप्रेस को डबल करा दो अक्सर भी दोस्तों आपको बता दें, वीडियो को देख के आप लोग कॉपी ना करें, ऐसे में खतरा हो भी सकता है, नहीं भी ये काम एक एक्सपोर्ट के लिए है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
ये हटा दीजिए, घंटों आपको तो यार ये मैं बाबू दोस्तों इसको बिना छेड़छाड़ के इसको हम यहीं पे पैक कर रहे हैं और लेके चलते हैं काफी दूर जहाँ पे घर परिवार न रहते हो वहीं पे ले जाके इसको रेस कर देंगे। अरे बाहर गया, छोड़ दो छोड़ दो, पत्थर काला था दोस्तों, इसको आसानी से इसमें पैक कर लिए हैं। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो देख के आप लोग कॉपी ना करें, ऐसे में खतरा भी सकता है, नहीं भी ये काम एक्सपोर्ट के लिए है। और वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, चलते हैं। एक और है उसमें तो क्या, उसका क्या अभी क्या है, आइए देखते हैं, एक और प्रयास करते हैं, अगर मिल जाता है तो वो अंदर चला गया, बहुत सामान है। अब कहाँ कहाँ खोजिएगा, आप पहले आए थे यहाँ, आप गए थे ना, वैसे ही है तो अभी जैसे गर्मी का मौसम है वो छुपा नहीं होगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, देख रहे हैं वो लोग ठीक है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ लोगों को बोल दीजिए। और इसे हम तो बोलते हैं हर वीडियो में बोलते हैं, ये पर्यावरण का हिस्सा है, इसे बचाना जरूरी है और बेजवानों को मारना नहीं चाहिए, इसमें छेद किए हुए हैं ना, जी जी ऑक्सीजन के लिए जगह ऑलरेडी बना हुआ है, दोस्तों दूसरे के प्रयास में थे कि निकल जाए, उसको भी रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन वो ना मिला, इसी को लेकर चलते हैं काफ़ी दूर। मैं भी अब वीडियो में शेयर कीजिए ताकि आपसे जो संबंधित लोग होंगे वो उनको मतलब ढूंढने में आसानी होगी और सांप को रेस्क्यू किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो सांप है इसके वेनम से 60% दवा का इस्तेमाल दवा बनाया जाता है और हमारे लिए वो ज़रूरी होता है, तो मेजबान को मारे ना, मटेरियस। और आ गया हूँ काफ़ी दूरी पे जंगल में सांप को रिलीज करने, और रात के समय में इसको निकाले थे और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, आइए इसको निकालते हैं और रिलीज करते हैं। दोस्तों आपको बताते हैं काफ़ी ये गुस्से में है बहुत ज़्यादा और काफ़ी एक्टिव भी है, काफ़ी मोटा और तगड़ा है ये और बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को देख के आप लोग कॉपी ना करें, ऐसे में खतरा हो सकता है, नहीं भी ये काम एक एक्सपोर्ट के लिए है। और ये आपको बता दें काफ़ी खाया पिया घर से बिलोंग करता है, ये काफ़ी मोटा तगड़ा है, आप देख के समझ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें वीडियो देख के लिए कॉपी ना करें और इसको बिना छेड़छाड़ के इसको हम यहीं पे रिलीज कर दे रहे हैं और इसको छोड़ दिए हैं, ये काफ़ी एक्टिव हो चुका है। दोस्तों ये मुकाबला करने के लिए तैयार है और दोस्तों इसको यहीं पर रिलीज कर दे रहे हैं, ये अपना यासियाना यहीं पर बना लेगा और चला गया, चला जाएगा ये।
दोस्तों ये काफ़ी खाया पिया घर से बिलोंग करता है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अंधविश्वास को दूर किया जाए, बिजवानों को बचाया जाए। बिजवान हमारे बीच पर्यावरण का हिस्सा है और इसे बचाना ज़रूरी है। और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में किसी बेजुबान को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।